हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ एनालिसिस। 7 फरवरी है आज। इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर बात करेंगे। द हिंदू के सोर्सेज से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको लिया गया है, हालांकि और भी पीआईबी और अदर सोर्सेज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को भी शामिल किया गया है। तो डिस्कशन की शुरुआत करने से पहले हम एक इमेज पर जा रहे हैं। ये एक पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम है जो कंटिन्यू हो रहा है अजय मिश्रा सर, जो हमारे सीनियर कोच हैं, उनके सानिध्य में। देखिए, हम आपको लगातार इस गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं और इसके लिए एक वीडियो भी अपलोड की गई है यूट्यूब पर, आप उसको एज इट इज़ देख सकते हो। देखिए, गाइडेंस का जो प्रोग्राम है या मेंटरशिप की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि हमें कोई गाइड करे, बल्कि हमारे लिए सुपरविजन इस प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी होता है। खास करके व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम एन आईएएस, तो इस बीच में जो प्रॉब्लम आती है, जैसे हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें कब तक याद रहती हैं चीज़ें, इसके अलावा हम आंसर्स लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर उस आंसर को कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, इसके बाद हम जब चीज़ों को याद कर रहे हैं तो हमसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, उसको चेक कर रहा हो कि जो इन्फॉर्मेशंस मैंने गेन की हैं वो सही हैं या मैंने फालतू की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली हैं और काम की बातें मैंने याद ही नहीं की हैं। तो इन सभी चीज़ों को इस प्रोग्राम में आप देखिए बहुत ही पर्सनली डिस्कस किया जाता है। एक छोटा सा ग्रुप होता है और उस ग्रुप का फ़ायदा आपको बहुत मिलता है, बिकॉज डिस्कशन डिबेट्स होते हैं इसमें। और अगर आप ऑफलाइन में नहीं आ सकते, आप कोचिंग में नहीं आ सकते, तो इस प्रोग्राम को ऑनलाइन भी कंटिन्यू किया जाता है। सेम होता है, एक छोटा सा ग्रुप बनता है आपका ऑनलाइन, फ़ोन पर हमारी बात होती है, कॉन्फ्रेंसिंग पर डिस्कशन डिबेट होता है और इवन पर्सनल लेवल पर भी बात होती है, और कई सारे आपके मेंटर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे किसी मेंटर की आपको ज़रूरत है, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। नंबर्स गिवन हैं इस पूरी वीडियोज़ में, आप उसको देख लें। चलिए डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारा फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ GSAT-31। ये एक टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको याद रखेंगे, और इसको लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुयाना से, Ariane-5 से जो लॉन्चर व्हीकल है। ठीक है, तो GSAT-31 के बारे में हमने दो इन्फॉर्मेशन देखा। फर्स्ट कि ये इसरो का सेटेलाइट है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, और इसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। कई बार ये होगा कि हमारे सामने स्टेटमेंट होंगे, 3 से 4 स्टेटमेंट होंगे, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस सैटेलाइट की बात हो रही है। तो वो GSAT-31 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। इसकी जो ऑपरेशनल लाइफ है वो 15 ईयर की है, डोंट बी कन्फ्यूज। ये कब तक काम करेगा, 15 ईयर्स तक काम कर सकता है। और इसके हम इमेज को भी देखते हैं, दैट इज़ इमेज, इसमें कुछ हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसे कि ये इसरो का 40th कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखेंगे, और टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो किस किस फील्ड में हमें हेल्प करेगा, जैसे कि कनेक्टिविटी को इन्हांस करने में और जो DTH सर्विसेज होते हैं उसको इंश्योर करने में, बेटर कम्युनिकेशन जो भी मेन फैसिलिटीज़ हैं उसको प्रोवाइड करने में ये हमारी हेल्प करेगा। कुछ बेसिक बातें और कि इसका 2535 किलोग्राम इसका वेट है, हालांकि UPSC ऐसे सवाल नहीं पूछती है, बट आप थोड़ा ध्यान में रखें इसको। 15 ईयर तक का लाइफ स्पैन है, हमने डिस्कस कर लिया, और इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो लॉन्चर व्हीकल जो है वो Ariane-5 है। ये भी आप बात इसरो की कर रहे हैं तो देखते हैं कि कौन कौन सा लॉन्चर व्हीकल है हमारे पास, इंडिया के पास। तो आप देखिए, ये स्टेजेस हैं जब हमने डेवलप किया है अपने यहाँ पर लॉन्चर व्हीकल्स को, और इसी की वजह से आज इसरो के पास एक बहुत अच्छा कॉमर्शियल फील्ड भी हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, अदर कंट्रीज़ भी हमारे पास अप्रोच कर रही हैं अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, जिसमें कि PSLV अभी तक बेस्ट माना जा रहा है। तो किस तरीके से अपग्रेडेशन हुआ है, SLV से लेकर के SASLV, PSLV, GSLV मैक 2, और अब हमारे पास GSLV मैक 3 लॉन्चर व्हीकल भी है, जिसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये पेलोड 4000 किलोग्राम्स तक का लेके जा सकता है, एंड विद द सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक प्रोपल्शंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखें। GSAT की चल रही है तो 7A की भी हम बात करेंगे, बिकॉज रिसेंटली इसको भी लॉन्च किया है इसरो ने। इंडिया से इसको लॉन्च किया गया था, और उसमें लॉन्चर व्हीकल कौन सा इस्तेमाल हुआ था, GSLV-F11। फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, F11 से इसको लॉन्च किया गया। GSAT-7 ये भी एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ये हम सीरीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं। इसका जो भार है, जो मास है, वो 2000 किलोग्राम का है। ठीक है, और इसका लाइफ ईयर अगर हम बात करें, जो इसकी मिशन लाइफ है वो 8 ईयर्स तक की है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है GSAT-7A के बारे में, इसको आपको याद रखना है। अगला न्यूज़ है करियर पोर्टल।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिया में पहली बार ऐसा कोई करियर पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसको राजस्थान में लॉन्च किया। राजस्थान गवर्नमेंट और यूनिसेफ राजस्थान ने मिल करके इसको लॉन्च किया है करियर पोर्टल को। तो जाहिर सी बात इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस पूरे पोर्टल को लाया गया है। एजुकेशनल पोर्टल बनाने की कोशिश की गई है। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होंगे, जैसे कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं या प्रोफेशनल करियर्स होते हैं उसके बारे में इसमें जानकारी होगी, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ होंगे, स्कॉलरशिप के बारे में भी जानकारी होगी, और 955 यानी अप्रॉक्स 1000 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जानकारी इस पोर्टल पर मिल सकती है स्टूडेंट्स को। हायर एजुकेशन के लिए क्लास 9 से 12 तक की इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर मिल सकती है। इसको डेवलप किया गया है यूनिसेफ के एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के फील्ड में। करियर पोर्टल इंडिया में लॉन्च किया है राजस्थान में, तो ये आप याद रखेंगे। अरुंधति स्कीम, तो असम गवर्नमेंट ने अभी अपना बजट पेश किया है और उसी में हम एक स्कीम की बात कर रहे हैं, उसका नाम है अरुंधति स्कीम। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स के लिए काम किए हैं, यानी स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे रिलीफ दिए गए हैं, माइनॉरिटी सेक्शंस को रिलीफ दिया गया है, और साथ ही जो लड़कियां हैं, जो ब्राइड्स हैं, उनको गोल्डन गिफ्ट दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ द मैरिज, तो उसका ही नाम अरुंधति स्कीम रखा गया है। और 300 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन इसमें किया है असम गवर्नमेंट ने। अरुंधति कौन है? तो वो वाइफ ऑफ वशिष्ठ हैं, जो हमारे गुरु थे वशिष्ठ, उनकी वाइफ है अरुंधति, और उनके ही नाम पर स्कीम का नाम रखा गया है। इसमें 1 तोला यानी कि 11.34 ग्राम गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो ब्राइड होंगी उनको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कैप है, वो ये है कि जिनका एनुअल इनकम ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें कोई कास्ट बेसिस नहीं रखा गया है, इसमें इकोनॉमिक बेसिस रखा गया है कि जिनका 5 लाख रुपीज़ से कम एनुअल इनकम है उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी, गोल्डन गिफ्ट दिया जाएगा। हर कम्युनिटी को इसमें शामिल किया गया है, तो इसका एक अपना प्रॉज एंड कॉन्स है, बट आप इसको याद रखेंगे कि असम गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम लॉन्च किया है अपने यहाँ पर। अगला न्यूज़ है राष्ट्रीय वायुश्री योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय वायुश्री योजना। सीनियर सिटीजन के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, और ऐसे सीनियर सिटीजन जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये ज़रूर याद रखेंगे, हर सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, इसमें कैटेगरी मेंशनड है जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं और दे आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसएबिलिटीज, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, लॉस ऑफ टीथ, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम अगर उनको होती है, डिसेबल्ड हैं तो, या फिर उनको परेशानी होती है, सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको स्कीम में शामिल किया जाएगा। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो याद रखिएगा, सेंट्रल सेक्टर का मतलब ये होता है कि उस स्कीम को पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के पार्टिसिपेट करते हैं उस स्कीम में, एक्सपेंडिचर देते हैं, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, किया जा रहा है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड के तहत, तो ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड बेनिफिशरीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसको आइडेंटिफाई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा या फिर यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा किया जाएगा थ्रू अ कमिटी चेयर्ड बाय डिप्टी कमिश्नर, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर। तो आप तैयारी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने की, तो याद रखिए बहुत सारे कार्यभार दिए जाते हैं आईएएस ऑफिसर्स को, और बहुत बेहतरीन पोस्ट होती है ये, तो इनके निगरानी में एक कमेटी बनाई जाएगी, और यही कमेटी बेनिफिशरीज का को आइडेंटिफाई करेगी कि ये आते हैं इस कैटेगरी में कि नहीं आते हैं। एंड 30% ऑफ द बेनिफिशरीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी वुमेन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्वेश्चन में आ सकता है, याद रखिए कि इसमें 30% जो बेनिफिशरीज होनी चाहिए स्कीम में वो महिलाएं होनी चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हमने देखी। और एक इन्फॉर्मेशन है, स्टेप अप आईएएस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है जून बैच के लिए, इवन मई जून बैच के लिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर आप पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर कांटेक्ट करें। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि इस पूरे प्रोग्राम में अभी एडमिशन पर डिस्काउंट चल रहा है जो फाउंडेशन कोर्स है, तो डिटेल आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है, किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च हुआ, ये सब जानना ज़रूरी है। तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन अभी लॉन्च कर रही है, इशू कर रही है, ये डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को, ठीक है। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है फार्मर को उनके प्रेशर को कम करने के लिए। एंड दिस कैंपेन विल बी लॉन्च थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, तो
तो इन सभी के कोलैबोरेशन से इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। एंड ये देखिए आप, ये है कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। तो जमीन पर लोन दिया जा रहा है किसानों को। इसके अलावा कुछ और फैक्ट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्रेडिट कार्ड लाया गया था किसानों के लिए, वो 98-99 के बजट स्पीच में ही लाया गया था। मतलब ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको अभी लॉन्च किया गया है, बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, किसान क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फार्मर्स की स्कीम को लाया गया था। द मॉडल स्कीम वॉज प्रिपेयर्ड बाय द नाबार्ड। नाबार्ड ने इसको प्रिपेयर किया है पूरी तरीके से, वी गुप्ता कमिटी के रिकमेंडेशन पर। तो ये भी याद रखेंगे, वी गुप्ता कमिटी किस चीज़ से संबंधित है, और इनके ही रिकमेंडेशन से नाबार्ड ने इस पूरे फीचर को एस्टैब्लिश किया था, बनाया था। एंड दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, RRBs हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं पूरी कंट्री में, उनके द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखा, इसको याद रखिएगा। एंड टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख लें, इसमें पूरे टेस्ट की डिटेल है, कब कौन सा टेस्ट हो रहा है। तो आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो टेस्ट आपके हो चुके हैं, जैसे अगला टेस्ट आपका 10 फरवरी को है, उसके पहले जो टेस्ट हो चुके हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अलग टाइम पे शेड्यूल कर दिया जाता है। डिटेल्स के लिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और कल वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई होप आज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।